चलो फिर विपुल दिस साइड, तो चलिए जान लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। आज बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मार्केट गैप अप क्यों ओपन हुआ, रीजन ये था कि यूएस के फेड, जो फेड है ना यूएस में, उन्होंने बोल दिया कि अभी इस साल इंटरेस्ट रेट हाइक हो नहीं करेंगे, मतलब है ना, वो करेंगे भी तो डॉट टू डॉट करेंगे, एक आध दो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण यूएस मार्केट बाउंस में शूट कर गया और सेम वैसे ही हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया। ये थी पहली न्यूज है ना, जो भी आप सेंटिमेंट समझे। सेकेंड चीज ये है कि आज हमने ट्रेड किया, हाँ हमने ट्रेड किया था, एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, वो मैं साइड में दे दूंगा तो आप उसको पढ़ लो, क्योंकि एक कंपनी का रिजल्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, सो उसको आप वीडियो पॉज करके वो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स मैं दे दूंगा, ठीक है। थर्ड चीज हमारी ये कि आज हमने ट्रेड किया था, हाँ किया था, आज हमारा लॉस बुक हुआ अराउंड 4200 समथिंग का है ना। अभी उसमें रीजन क्या था, देखो मैं अपने ट्रेड्स भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ट्रेड्स थे, मैंने एक स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल बना दिया था निफ्टी में अराउंड 1440 रुपीज का है ना, जस्ट ऐसे ही सोचा था कि एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, एज पर दोनों एक्सपायरी साइडवेज थी इसलिए मुझको लगा, बट ठीक है, हमारा एक 14 का प्रीमियम अराउंड 40 रुपीज चला गया था है ना, मैंने 39 पे बुक कर दिया था, और जो आना दूसरा था पुट हमारा गया था 39 समथिंग पे मैंने बुक किया था, और जो हमारा कॉल था वो मैंने अराउंड 2 रुपीज समथिंग पे बुक कर दिया था, ठीक है, कुछ ऐसा वो था नहीं, हम थोड़े प्रॉफिट में निकले, ठीक है। उसके बाद दोनों जीरो हो गए थे, अच्छा हुआ सही टाइम पे निकाल दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड किए, दिक्कत आ गई थी पोजीशन साइजिंग के साथ, मैंने थोड़ी हैवी पोजीशन कर दी थी यार, जेन्युइनली बता रहा हूँ, सो दैट्स द रीज़न हमारा आज, मतलब उसको मैं नहीं मैनेज कर पाया, हैवी पोजीशन थी बहुत ज़्यादा, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ था, प्रीमियम स्किप हो रहे थे बीच बीच में, तो उसके कारण थोड़ा सा इशू हो गया, और मैंने मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लिया था, तो जो स्लिपेज के कारण बहुत लेट बाय हुआ, तो ठीक है, ये था आज का हमारा ट्रेड कि अराउंड वी बुक द लॉस, ओके नो इशूज। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप होप सो गाइस आपको दिख रहा होगा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ओपन है, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी यहाँ पे गया, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, प्रीवियस डे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अभी इसमें सेंटीमेंट क्या होगा, देखो सारा डेटा मैं ऊपर नहीं करूँगा, मैंने देख रखा है तो मैं आपके साथ नॉर्मली शेयर कर देता हूँ। 42,800 एक मेजर सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक किया तो 42,600 तक के लिए शार्प मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। देखो सिनेरियो क्या हो रहा है ना कि यार मार्केट थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से पोजिशनल लेके आता कोई बंदा, इतने गैप अप में पूरा खत्म कर देता था ये दो तीन दिन का प्रॉफिट, तो यही है थोड़ा पोजिशनल में इशू हो रहा है यार, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। हमने 1 नवंबर 2 नवंबर दोनों में हमारा लॉस बुक किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने अक्टूबर में अच्छा प्रॉफिट किया, एक बहुत अच्छा हमारा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कल आपको मिल जाएगा चैनल पे है ना, वर्क चल रहा है उस पर है ना, तो वो जरूर देखिएगा आप, और उसको ऐसा मोटिवेशन नहीं लेना, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अभी देखो 42,800 इज इन मेजर लेवल, ये ब्रेक हुआ देन 42,000 मैं मार्क ही कर देता हूँ यार, ये देखो 42,600 ठीक है, क्योंकि ये मार्केट प्रीवियसली इसी जोन में रहा था, या तो साइडवेज जा सकता है या तो डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। इसके नीचे हर 200 पॉइंट 42,400 पे एक दिख रहा है, इसके नीचे फिर 42,000 बहुत ये नीचे है, बट हम बड़े लेवल्स लेके चल रहे क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन नहीं दे रहा है, देगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की तो ये देखो 50 EMA बना हुआ है, 50 EMA एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ वर्क करता है, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया वेट करो 50 EMA के ऊपर जाता है देन हम बाइंग के लिए देखेंगे, बट 42,800 मेजर बहुत ज़्यादा वाइज है, तो कैसे क्या रिएक्ट करता मार्केट ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले आपको ना तो देख सकते हो, बट 43,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा, गैप अप ओपन हो गया देन यार ये एक रेजिस्टेंस है, अब तो सबको पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो यहाँ पे फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अनदर रेजिस्टेंस आप देखो तो यहाँ पे मार्केट बहुत क्लियर दिख रहा होगा, अभी आपको लेवल्स निकालने में उतना इशू नहीं हो रहा होगा, 43,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो देखो 43,000 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं, अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ देन बाइंग के लिए देख सकते हैं है ना, और मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो पहला बनेगा 43,260 बनेगा, इसके ऊपर फिर 43,400 200 पॉइंट है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, बट मार्केट उतना ज़्यादा नहीं रिएक्ट कर रहा है, गैप अप ओपन हो गया नीचे आ गया, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। आज बैंक निफ्टी में 2 SL हिट हुए और 1 NIFTY में SL हुआ, 3 ट्रेड्स थे हमारे उसमें SL हुए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं,
तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, आप समझ गए होंगे 43,000 and 42,800 मेजर लेवल है। अगर इसके बीच में जब तक मार्केट है ट्रेड मत करो, थोड़ा दूर जाने तो ये दोनों बहुत मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट करके रख देंगे आगे, है ना। जब भी ब्रेकआउट देगा एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एक चीज़ और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ से देखो एक ऐसी ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ सपोर्ट जा रहा है यहाँ पे, देख रहा है आपको, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बट यहाँ पे ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक किया तो देखो डायरेक्ट कितने सारे लेवल्स ओपन हो गए, ये प्रॉपर लेवल्स आपको मिल जाएंगे। ये एक सपोर्ट है, हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, बट ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है। सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। सेम सिनेरियो, निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे 50 EMA, देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार, 50 EMA पर सपोर्ट लिया ऊपर गया। सेम सिनेरियो वही है, डिपेंड करता है कि अभी हमारा मार्केट कल कैसे ओपन होता है ठीक है। फ्राइडे है, थोड़ा मोमेंटम कम रहते, लोग कम ट्रेड करते हैं, है ना, मेरे भी चांसेस कम है, आज ऐसे लेट हुआ है अपना 2 दिन से, तो अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एक दिन रेस्ट लूँ। यहाँ पे आप देखिए 19,150 EMA, सिंपली मैं बताता हूँ, मैं जो फॉलो करता हूँ 50 EMA मैं फॉलो करता हूँ। कल मार्केट या तो मुझको आज के दिन का हाई, मतलब अगर कल बोलेंगे तो प्रीवियस डे हाई, जब ये ब्रेक होगा देन एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर 50 EMA पे सपोर्ट लेता है, कोई अच्छी कैंडल मिलती है एमआर या कुछ बुलिश टाइप की, तब ये 50 EMA पे बाय कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक हमको एक एज अ सपोर्ट मिल सकता है, इसके ऊपर गया देन एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 50 EMA वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, साइडवेज ओपन होके देखो किस तरह ट्रेड देता है, अगर यहीं पे ओपन हुआ, अगर नीचे आया तो 50 EMA के सपोर्ट पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप ओपन हो के ये डायरेक्ट आज के दिन का हाई, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक कर दिया ठीक है 19,160 और ऊपर सब्सटेंड कर गया, देन तो अगला टारगेट 19,230 तक दिख रहा है हमारे लिए ठीक है। सो होप सो गाइस आप समझ गए होंगे, है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी को ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, बट मैं उसमें ट्रेड करता नहीं इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया, कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जरूर देखिएगा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।